तो हेलो गाइस, अब मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ सदर मार्केट से। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मेरे सामने जो टब है भरा हुआ रखा हुआ, ये सारा फ्रेंड मैं थैले में लेके आई थी अपन थैले से खाली करके, क्योंकि फ्रेंड उस थैले में सामान था और उसको हम मार्केटिंग में जब भी जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उसमें मैं रिटर्न जब मैं आई तो मैंने वो सामान जो भी था, राशन का कुछ सामान था, उसमें मैंने भर के रख दिया। और वो सामान जो था भर के रखने के बाद में मैंने फ्रेंड इसमें ये सारा टब में कर दिया सामान। और फ्रेंड इसमें अब मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान है। तो फ्रेंड मेरी चाय जो है वो भी ठंडी हो रही है, तो फ्रेंड इवनिंग की चाय है, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। मसाले वाली चाय बनाई है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपके लिए चाय भी पियेंगे और अपना सामान जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ ये रख देते हैं हम ढक्के, अभी गर्म है चल जाएगा। तो फिर देर ना करते हुए आप फटाफट आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान जो दिवाली डेकोरेशन के लिए हम क्या क्या लेके आए हैं घर को अच्छा और सुंदर सजाने के लिए। और फिर इस वक्त सदर मार्केट में दिवाली के ही सामान मिल रहे हैं, पूरी मार्केट जो है खर्चा कर दिवाली डेकोरेशन सामान से ही भरी पड़ी है। लाइटें हो गई, कार्तिक आ गया, नानी के घर गया था, कहता कि मैं जा रहा हूँ, नानी आ गई, फिलहाल नानी नहीं आई है। तो फ्रेंड देर ना करते अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। तो फ्रेंड सबसे पहले ये हम लेके आए हैं फ्लावर, और इनके साथ में हम कोट भी लेके आए हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये गुलदस्ते कितने प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड। ये देखिए ये तो एक ही कलर का है, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड एक कलर के हमें मिले नहीं, इस वजह से हम फिर अलग अलग लिया है, और ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये तो फिर इनको साइड में रख देते हैं। ये डोरमेट है, ये फ्रेंड डोरमेट देख सकते हैं, दो है ना इसके अंदर। तो फ्रेंड डोरमेट जो थे वो मेरे फट रहे थे और पुराने भी हो रहे थे, जैसे हम दिवाली पे यही बिछाएंगे। तो और बाकी के सामान में भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये तो फ्रेंड मसाले हैं, तेज पत्ता है, ये इलायची है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कलौंजी, कलौंजी है फ्रेंड देख सकते हैं कलौंजी। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, काटे काटे जाते हैं ना, मैं दिखा रही हूँ है ना। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये फ्रेंड पांच लड़ियों का सेट होता है, कि आपने भी देखा होगा फ्रेंड इस तरीके की लड़ियाँ आती है। तो फ्रेंड इसका छः पीस का नहीं आता है, हाफ दर्जन में नहीं आती हैं, ये पांच पीस का ही होता है। तो फ्रेंड पांच पीस का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड इसमें की जो है मैं पिछली बार भी लेके आई थी वो भी पांच पीस का ही था। तो फ्रेंड इसको हम रख देते हैं, ये देख सकते हैं अखरोट है, अखरोट है कार्तिक, रख दो रख दो अखरोट उधर रख दो। तो फ्रेंड एक ही रह गई, और बाकी जो है पोर्ट देख सकते हैं फ्रेंड इसी के अंदर रख रखी है। ये पोर्ट मुझे, मैं लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे हर्षू का बहुत ज़्यादा डर था कि हर्षू जो है ना ऐसी चीज़ें रखता नहीं है, तोड़ देता है, इस वजह से कार्तिक में दिखा रही हूँ ना दोनों। तो फ्रेंड मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा जल्दी दिखाने की इस वजह से। तो फ्रेंड देख सकते पोर्ट कितने बड़े बड़े हैं, इनका प्राइस बहुत ही कम दामों में फ्रेंड यहाँ पे मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं इतने कम दामों में। और देख सकते बहुत ही प्रिंटेड लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना। तो फ्रेंड इनको भी हम रख देते और दिखा है। तो फ्रेंड ये छोटी रंगोली है ना, आपको करीब से भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये रंगोली है हमारी, ये रंगोली भी इधर रखते हैं। और फ्रेंड दो रंगोली जो है ये वाटर प्रूफ जो होती है वो लेके आई हूँ, जो देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। शायद ये कलस वाली है, नहीं ये मोर वाली है, और ये भी कलस वाली है ना फ्रेंड, कलस छपा हुआ है ना, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलस लग रहा है। और ये मोर वाला डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, बहुत ही अमेजिंग है। और ये फ्रेंड मैं वो लेके आई हूँ, यंत्र होता है वो यंत्र फ्रेंड मैं लगाऊंगी, ये यंत्र लगाएंगे फ्रेंड हम अपने मंदिर में लगाएंगे, पीछे जगह बची हुई है ना जो खाली जगह, उसमें हम ये यंत्र लगाएंगे। यंत्र क्या होते हैं, यंत्र होते हैं ये, इसमें भी ये यंत्र है, ये भी लगाऊंगी मैं, इसको भी रख देते हैं, ये सारे टेप छुटा के लगाने वाले हैं। और बाकी का फ्रेंड जो है ये एक अखरोट है, अखरोट जो छिला हुआ अखरोट होता है, तो फ्रेंड उसको अच्छा तोड़ने से बच जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ये अखरोट तो मैं खा के भी चेक करके लेके आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड, इसमें कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है।
मतलब पुराना नहीं है। और फिर हम वैष्णो देवी गए थे ना, हम ये हमने वहाँ से अखरोट जो लिए ना, सारे प्रसाद में जो हमने दिए थे ना, वो बहुत ही बेकार अखरोट, फोड़ फोड़ के इंसान परेशान हो गया। और जो निकला भी उसके अंदर तो उसी में चिपका रह जाता था, निकलता नहीं था वो। तो फिर ये अखरोट लेके आई बच्चों को दूध दूध में सुबह देने के लिए, और ब्राइड फ्रूट के साथ में खाने के लिए छिला हुआ है। सोचो कितना मतलब मेहनत बच गई है ना। तो फिर ये सामान है मेरा कुछ जो मैं लेके आई फिर, और भी आपको दिखा देती हूँ। ये लेके आया, हाँ ये फ्रेंड है ना, क्या बोलते हैं गेट पे जो लगाते हैं ना झालर, ये वो है गेट पे लगाने के लिए, झालर टाइप को, झालर टाइप का होता है ना ये, वो है ना गणेश जी है। तो फिर वर्ड मीनिंग में भी लिखा हुआ है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड ग्रीन में गणेश जी है ना। तो फिर इसके मैं तीन पीस लेके आई हूँ, तीन पीस हैं। तो फिर इसको भी रख देते हैं हम, है ना। और ये फ्रेंड फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। और फ्रेंड ये छोटे छोटे कलर मैंने पहले सोच रही थी कि लक्ष्मी के जो पैर होते हैं ये ही ले लेती हूँ, पर फ्रेंड मुझे ना उसके अलावा भी ना ये छोटे छोटे कलर्स दिखे, और ये भी देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये कलर्स भी हम चिपकाएंगे इनको, ये भी आप भी मतलब गेट पे भी चिपका सकते हैं इसको, और मतलब एंट्री गेट होता है वहाँ पे भी चिपका सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे लगेंगे, मंदिर में भी अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड ये कुछ कलर्स हैं, और ये मेरे ख्याल से 5 पीस का सेट होगा। तो फ्रेंड 2 पीस लेके आए मैं, 10 पीस होंगे। तो फ्रेंड ये मैं टेडी बेयर लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि फ्रेंड मैं और भी लेना चाहती, क्योंकि इसके सेम ही थे और मैं दोनों सेम लाके क्या करती, मैंने सोचा कुछ हटके होगा तो ले लूंगी, पर सेम ही थे। और बाकी छोटे छोटे टेडी थे वो मेरे पास रखे हुए, इसलिए मैं नहीं लेके। तो ये तो मुझे और बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को नहीं लगा, कोई बात नहीं मुझे अच्छा लगा है। हर्षु के लिए लाई, हर्षु वहाँ नहीं रखना, चाय गिर जाएगी। और फ्रेंड ये क्या है, ये 8-10 पीस के ये पैर है ना, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और क्या रह गया भाई, मेरी नैन पॉलिश है फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरी नैन पॉलिश है फ्रेंड। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, देख सकते हैं ब्लू और रेड। हाँ फ्रेंड, सदर मार्केट में जाने का ये तो फायदा है, ऐसा लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है। यहाँ अगर ये चीज़ें हम लेते बहुत ही महंगी मिलती। तो फ्रेंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये 30 की है 2 पीस। तो फ्रेंड अच्छी क्वालिटी भी है फ्रेंड, कंपनी भी अच्छी है इनकी। और एक ही लेके आए फ्रेंड, ये मैं शुभ लाभ है, शुभ लाभ है, शायद आपको उल्टा दिखेगा उधर से इस वजह से। तो फिर शुभ लाभ है, इसमें भी मेरे ख्याल से 8 पीस होंगे, उल्टा 8-9 या 10 पीस है कुछ ऐसे। हाँ नहीं अभी दबाना नहीं है ना। तो फ्रेंड ये सामान है कुछ मेरा, और ये फ्रेंड हमारे ना नल जो है ना बालकनी में जो नल है ना, वो फ्रेंड इसका ऊपर का ना टूट गया है, इस वजह से ना हम लोग ये 2 लेके आ गए, क्योंकि फ्रेंड एक्स्ट्रा रहेगा तो काम आ जाएगा। और ये भी बहुत ही कम प्राइस में 50 में 2 पीस है फ्रेंड, दे रहा था फ्रेंड दे रहा था ये कितने का, 30 का एक पीस दे रहा था, पर हमने 50 के 2 पीस लगवा लिए और उन्होंने 2 पीस दिया। हर सब इसको खोलना नहीं। और फ्रेंड में ये लेके आई झालर, हर सब अभी नहीं बाबू, फ्रेंड जो गेट की झालर होती है वो लेके आई मैं। और ये भी देख सकते हैं, आज मैंने देखा कि बिक रही है कितने कितने की, 100-100 रुपए की बिक रही है फ्रेंड ये झालर जो है, 100-100 रुपए की मार्केट में है ना। और फ्रेंड मैं लेके, हाँ जाओ ठीक है जाओ जाओ जाओ। तो फ्रेंड ये जो 100-100 रुपये दिख रही है मैं लेके आई हूँ, तो बहुत ही कम दामों में। एक मिनट ये भी दिखा रही हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ फ्रेंड झालर जो मैंने आपको दिखाई, इसके भी 3 पीस लेके आई हूँ, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऑफिस के लिए चाहिए सजाने के लिए, इसलिए मैंने ना एक घर के लिए देख ली, मैंने बोला 1-2 घर के लिए हो जाएंगे और एक वो अपना ले जाएंगे। तो फ्रेंड उसके अलावा भी हमें दूसरी झालरें पसंद आ गई तो वो भी ले ली मैंने, पर मैंने बोला कोई बात नहीं। और फ्रेंड देख सकते हैं कितना ही प्यारा ये झालर है ना फ्रेंड, ये सारा सदर मार्केट में फ्रेंड होलसेल रेट में मिलता है, आप लोग कभी जाइए घूम के आइए फ्रेंड, बहुत ही कम दामों में आपकी मार्केट हो जाएगी। तो फ्रेंड ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है ना, ये 2 पीस हो गए।
और तीसरा पीस भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, कलश वाला है, कलश वाला है तीसरा पीस भी। तो फ्रेंड उस लड़के से हमने तीन पीस लिए थे, उसके तड़ाधड़ जल्दी जल्दी बिक गए थे। ये फ्रेंड देख सकते हैं कलश वाला पीस है ना, कितना प्यारा लग रहा है। इसको भी रख देते हैं। अब सारा सामान हमारा हो चुका है, अब आपको एक चीज जो है वो दिखा देते हैं। वो फ्रेंड ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये घंटी देख सकते हैं, ये साइड डोर होता है ना उसमें टांगते हैं, और बीच में भी आप टांग सकते हो, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो आप इसको उठा के रखो नीचे, इसको नीचे रखो। हाँ तो फ्रेंड देखिए ये फ्रेंड कितने पीस हैं, ये 10 पीस होंगे या 8 पीस होंगे, इसमें से कितने पीस हैं, 4 पीस, 4 7 7 9। तो फ्रेंड ये 10 ही पीस हैं, देख सकते हैं आप ये है ना, कितना प्यारा लग रहा है ये है ना। फ्रेंड देख सकते करीब से देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर ये 10 पीस हैं, इसके पापा ऑफिस में लेके जाएंगे, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए, उनको जितने चाहिए ऑफिस के लिए रह जाएंगे, और जो बचेंगे तो फिर हम डेकोरेशन करेंगे, तो उसके लिए मैं एक ब्लॉग आपको ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें देखिए हाथ भी दिखा रहा है आपको, और उससे पहले फ्रेंड अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर लास्ट पीस ये था। तो फ्रेंड आई होप ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।